नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह समय समय पर अस्त और उदय होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि शनिदेव कुंभ राशि में पूर्ण अस्त हो गए हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक मतलब 4 डिग्री के आसपास कोई ग्रह आता है तो वह ग्रह पूर्ण अस्त हो जाता है। सूर्य के नजदीक होने से अस्त होने का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर मिलेगा, लेकिन 4 राशि ऐसी हैं जिनको इस समय विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं। मिथुन राशि, आप लोगों के लिए शनिदेव का पूर्ण अस्त होना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मिथुन लग्न में शनिदेव 9 मेष और 8 मेष है, मतलब पिता और आपकी सेहत के कारक है। इसलिए जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी बेहद केयर करने की जरूरत है। साथ ही समय वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। कर्क राशि, शनिदेव का पूर्ण अस्त होना कर्क राशि के जातकों को प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके 7 मेष और 8 मेष में है। शनि यहाँ मार्केट्स भी है, इसलिए आप लोगों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब आपको अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रहें, इस समय नए निवेश से भी बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मकर राशि, आप लोगों के लिए शनिदेव का पूर्ण अस्त होना हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपकी लग्न के स्वामी है। इसलिए इस समय आपको फीवर आ सकता है, कोल्ड सर्दी हो सकती है, कम से कम 15 से 20 दिन में जाकर ठीक होंगे। वहीं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार इस अवधि में धीमा चलेगा। कुंभ राशि, शनिदेव का पूर्ण अस्त होना कुंभ राशि के जातकों की सेहत के लिहाज से अशुभ होगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के लग्न में भारवे भाव के स्वामी है। इसलिए समय आप पर कोई झूठा केस चल सकता है, साथ ही सेहत में गिरावट हो सकती है, गले और मुंह की कोई परेशानी हो सकती है, शरीर में कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। वहीं समय बनते बनते काम बिगड़ सकेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल।